हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्राफिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हम आपको रिबन बनाना सिखाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे 3D रिबन होता है, आपने देखा होगा, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। देखिए, X5 अपना ओपन करते हैं, यानी कि 15 वर्जन। दोस्तों, जर्नली हम क्या होता है कि इससे फ्री हैंड से ही काम कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं आता होगा, शायद आप नए होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि कि आपको कन्वीनियंस हो। देखिए, एक क्लिक हमने यहाँ किया, एक क्लिक आप ऊपर ना लगाए, ऐसे करके, जैसे 90 डिग्री का कोण होता है ना, ऐसे करके लगाए। देखिए, अब क्या करना है, आपने ऐसे लिया एक क्लिक, फिर यहाँ पे किया, फिर जब यहाँ पर एंडिंग क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पर आपने माउस का कर्सर छोड़ना नहीं अपना इंसर्ट पॉइंट, ठीक है, इसको प्रेस करे रखना है, इसको लेफ्ट की हॉल करके आप इसको जितना भी ड्रैग कर लीजिए, ये आपको शेप दे देगा। अब आप F10 कीजिए, मैं फिलहाल यहाँ से शेप टूल ले लेता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप नोट्स पे ध्यान रखिएगा, ये कितनी कर्व हो चुके हैं, ठीक है। एक बार हमने क्या लिया, देखिए, एक बार हमने कर्व लिया था, एक बार सिमेट्रिकल लिया, तब ये ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे हो चुके हैं। देखिए, जो आपने फाइनल प्रेजेंटेशन जो आपके सामने आने वाली है ना, तो वो इसी पे डिपेंड करती है दोस्तों, कि आप है ना नोट्स बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली लगाइएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। इसको, ये मेरा राउंड है ही, ठीक है। अब इसको भी मैं राउंड शेप देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके इसको भी राउंड शेप दे देता हूँ, ये राउंड हो जाए, ठीक है। अब देखिए, आपने करना क्या है, आपने सीधा जाना है एक्सट्रूड में, ठीक है, और इसको एक्सट्रूड दे दीजिए, ये जो नोट्स आ रहा है, अब इस पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करे करे, ठीक है, इसको ऊपर कर दीजिएगा। इसमें फिर मैं ये डाल देता हूँ फिलहाल, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए, शायद आपको कन्विंसिंग ना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, ये कंट्रोल जेड हो गया। अब मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो आइकॉन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक्स है, इसमें -60 डाल दीजिए फिलहाल आप, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे सामने कैसे प्रेजेंट हुआ है, ये ऐसे खुल चुका है, ठीक है। अब अपनी करने के सबसे इम्पोर्टेंट काम, आप इसको कंट्रोल के ही कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल के ही नहीं करेंगे तो होएगा कि एक्चुअली ये आपको फील नहीं करने देगा, वैसे तो करने देगा ये, लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये कहीं फील होगा कहीं पे नहीं, तो इसलिए इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कंट्रोल यू कर दीजिए, शॉर्ट कमांड है इनका, ठीक है, कंट्रोल यू, सॉरी, देखिए कंट्रोल आई हो गया था, कंट्रोल यू करना है मुझे, और ये हट चुका है, ठीक है। और वही काम आप अरेंज में भी जाके कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ब्रेक कन्वर्ट, ये कंट्रोल के जो मैंने आपको बताया, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब देखिए, ये सब पार्ट अलग अलग होगी। F11 करता हूँ मैं, और आपको मैं यही फील बनाना सिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। मैंने अब इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, शिफ्ट की दबाएंगे, और इसको यहाँ पर एक क्लिक, हमारा ये सेलेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, इन दोनों में कलर कर दिया। आप देखिए, अब जी प्रेस कर दीजिए, ये एंटी फिट टूल मिलेगा आपको, और इसको ऐसे करके आप मैनेज कर लीजिए। बस मैनेज करने के बाद आपने करना क्या, देखिए, अब आप इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऐसे करके ये नोट्स मिला हुआ, इस नोट को अंदर कर खींच दीजिए आप, ठीक है। अब आपने करना क्या, देखिए, यहाँ पर ये कलर आई ड्रॉपर के नीचे H2 ब्रो, ये आपने ले लेना है। अब देखिए कैसे ये फील को भी साथ साथ करता जाता है, जो हमने यहाँ लिए उसी फील को ही अप्लाई कर देगा, ठीक है। आपने कोई अरेंज करना हो तो आप जी प्रेस करिएगा, इंटे फिल टूल मिलेगा आपको, और आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने इनको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की दबा के आगे चलेंगे, छोड़ने से पहले माउस का राइट क्लिक प्रेस कर दीजिएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए, अब आपने करना क्या है, यहाँ से इस
एंटर कर दीजिए, फॉरेज एंटर, ठीक है। अब इसको देखिए, आपने अरेंज कर देना है। तो अरेंज करके मैं आपने सबसे पहले की बता दूँ, शॉर्ट कमांड शिफ्ट कंट्रोल डाउन कर दीजिए। आप देखिए, इसका जो सारा कंट्रोल है वो अरेंज में जा कर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्यूटोरियल लाऊंगा, तब इनको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल ऐसे कर दीजिए आप। अब आगे क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, आपने करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसे करके, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये नोट्स आ जाएंगे आपके। तो आपने करना क्या है, देखिए मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ ताकि कि आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए इसको यहाँ पर मिला दीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा नोट है इनको डिलीट कर दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ से भी इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन वो शायद आपको नहीं आता होगा, इतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा। आप आगे का वर्जन क्या कर, अब देखिए इसके ऊपर के वर्जन में आपने करना क्या है, बस आपने सारे नोट ऐसे करके सिलेक्ट करके यहाँ से उनको यहाँ पर जा कर के ये रहा डिलीट के लिए, डिलीट नोट कर दीजिएगा, ठीक है। एक नोट को बस सिलेक्ट रखिएगा, ये जो सिलेक्ट नोट है इसको उठा कर के इसकी एज पे रख दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो चुका है आपको। सबसे मेन बात जो आती है अब इस डिज़ाइन में वो मैं आपको बता, अब आपने देखिए सबसे मेन आपने करना क्या है, वरना ये डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जा कर के डबल क्लिक लगा लीजिए आप, यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ पर डबल क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक, फिर डबल क्लिक, ये डबल क्लिक से नोट डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर लग गए हैं, ये इसके कारण ऐसा आ गया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ से पिक टूल ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब आपने ये जो आपने ये जो ब्लू शेप दिख रहा है ना, अब क्या कीजिए, इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, इस नोट को ऐसे खींच के अंदर कर दीजिए, ठीक है। अब ये अंदर चला गया, अब एक नोट इसके यहाँ पर ऐसे इसके बॉटम पे लगा लीजिए, देखिए वो सिलेक्ट है, इसलिए पिक टूल लेना पड़ेगा मुझे। पिक टूल से जब भी आप काम करें तो क्या करें कि फोकस रखें कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपने काम फटाफट होएगा, क्विकली हो पाएगा, ठीक है। ऐसा ना करें कि काम कुछ और है और आपने फील टूल कुछ और लिया है, तो आपने काम नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे करिएगा, देखिए अब ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये शेप बन चुकी है।